बिहारी, बाकी बिहारी की दे। यशोमती मैया से एक अजब सी मस्ती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारा घर जो है वो पूरा उथल पुथल मचा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि बारिश पड़ रही थी दो दिन से, तो दो दिन से ना तो घर की साफ़ सफाई ना कपड़े, मतलब बहुत सारा काम जो है वो फैला हुआ था। उसी के लिए आज हम जो है, बारिश तो नहीं पड़ रही है, धूप भी नहीं निकल रही है, पर यह है कि मौसम जो है अजीब सा है कि बारिश कभी भी पड़ सकती है। फिर भी हम जो है अपने काम में लग गए हैं। आज हम सुबह से हमने सबसे पहला ना हमने लाइट आने का वेट किया, ना ही किसी चीज़ का इंतज़ार किया, हम सीधा लग गए हैं आज सुबह सुबह कपड़े धोने के लिए। जी हाँ, हम हाथों से ही कपड़े धो रहे हैं आज। मशीन की अगर वेट करेंगे, लाइट का वेट करेंगे, तो वही फिर लेट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने सोचा जल्दी जल्दी से अपने काम पर लग जाते हैं। दोनों ने अलग अलग सर्फ घोला और लग गए कपड़े धोने के लिए। कुछ कपड़े भिगो करके रख दिए थे क्योंकि वो थे ब्रश लगाने के, क्योंकि कुछ कपड़े ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और हल्के कलर के कपड़े जो होते हैं ना, अगर उसको आप अच्छे से ना धो तो उनमें मैल घुट जाता है फिर। तो मैंने उन पर जल्दी जल्दी से भिगो के रख दिए थे। भिगो के रखने से क्या होता है ना कि जल्दी से कपड़े साफ़ हो जाते हैं। हाथों से कपड़े धोने की इतनी आदत भी नहीं है, पर फिर भी हम लग गए थे। हमने कहा जब निपटाने में बैठेंगे ना तो निपट ही जाएगा। बहुत बुरी हालत हो रही थी घर में, कपड़े गंदे कपड़े और बारिश में हो तो एक अजीब सी स्मेल आती है जो कि बहुत गंदी लगती है। तो सारे कपड़े आप लोग देख सकते हो, एक टप भर गया है। तब तक जो है लाइट भी आ गई थी, तो हमने क्या किया, हम अभी इन सारे कपड़ों को इसी में सुखा लेंगे। सुखाने से अगर हल्की सी भी हवा भी चल गई ना तो भी सारे कपड़े सूख जाएंगे बढ़िया तरीके से, हवा में भी अगर हम मशीन में सुखा लेंगे तो। सारे कपड़े जो है वो धो दिए हैं। अभी हम दोनों जो है वो मिलकर के सारे कपड़े फैला देंगे और फिर बाकी के काम में लगेंगे। आज कोई काम नहीं हुआ है, सुबह से भी कपड़े ही कपड़े धोए, नाश्ता पानी करके ही हम दोनों लग गए थे। तो बहुत काम हो जाता है क्योंकि एक तो ना बिल्कुल गुड़िया को संभालने के लिए चाहिए, यानी कि हमारी गुन्नू को संभालने के लिए चाहिए एक तो मतलब कि पूरा दिन, अगर वो रोती है, अगर परेशान होती है तो। बस मैं यहाँ पर कर रही हूँ बर्तन साफ। सारे बर्तन भी हमने क्या किया, इकट्ठे कर लिए थे, बाहर ही पूरा का पूरा टोकरा ही लेकर के आ गए थे। मैं यहाँ पर सारे बर्तन जो है मांज रही हूँ और मेरी बहन धो धो करके टोकरे में लगा देगी। इस तरीके से क्या होगा ना, एक तो काम बहुत इजी हो जाता है, आसान हो जाता है और जल्दी जल्दी निपट जाता है। कपड़े तो हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं ही, सारे कपड़े हमने धो दिए हैं और अभी सारे बर्तनों की बारी है। हमने एक भी बर्तन रसोई में नहीं छोड़ा है, हम सारे ही बर्तन लेकर के आ गए थे बाहर। अभी वैसा काम निपटा दिया है और अभी ना ये यहाँ पर, क्योंकि इसको ना आज सुबह जब घुमाने के लिए लेकर के गए तो ये गलती से कीचड़ में घुस गई थी। और बस तो मैं इसको नहला दूँगी अच्छे से। वैसे भी हमारे जो चंचल है वो तीसरे चौथे दिन मैं इसको नहला ही देती हूँ। घर में रहते तो देखिए साफ़ सुथरी तो रहनी ही चाहिए, तो तीसरे चौथे दिन हम इसको नहला देते हैं। और बांधी मैंने ये इसलिए क्योंकि कोई भी घर में आता है ना उसी के पीछे भाग लेती है, उसी के पीछे भागती है। घर में ना किसी बच्चे को आने देती है और ना ही किसी को आने देती है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ता है मैडम जी को। अभी इसको अच्छे से नहला देंगे और फिर थोड़ा सा खुले से मैं इसको बांध दूंगी।
तो अंदर का काम अभी हमने ख़त्म कर लिया है और अभी मैं आ गई हूँ बाहर। यहाँ पर ना हमारी गायें बंधती है, तो गाय के जो खोर है वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है। और पहले तो गाय के नीचे मैं झाड़ू लगा दूँगी और फिर यहाँ पर रोज़ धोना पड़ता है, क्योंकि देखिए जब हम अपने लिए साफ़ सफ़ाई रखते हैं तो जब हमारे घर में पशु हैं उनके लिए भी उनके नीचे भी साफ़ सफ़ाई अच्छे से करनी चाहिए। तो मैंने पहले अच्छे से सारे में झाड़ू लगा दी है और ये गद्दा डाला हुआ है ताकि हमारी गाय को कोई तकलीफ़ ना हो बैठने में। बच्चे भी हमारे घर में काम कर रहे हैं, सारे कपड़ों की तह कर रहे हैं। मम्मी जो है वो धूप में कपड़ों को डाल रही है क्योंकि धूप नहीं थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो है वीडियो तो मैंने आज अपना सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था, पर आप लोगों से बातचीत नहीं की थी। तो आज हमें मार्केट जाना था, फिर हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि फिर लेट हो गया। अब हम कल जाएंगे बाज़ार। आज मौसम ठीक है, धूप धूप निकल रही, कल भी ऐसा ही हो जाइ हो तो हमारा कल मार्केट का काम हो जाएगा। फिर क्यों बच्चा पार्टी है? अरे तय करेंगे। मेरा भी होगा, मेरे मुंह पे तो जा आराम लग रहा है, मेरे मुंह पे यहाँ से एलर्जी होने हो रहा है। आप जो ज्यादा दिख रही है मेरे मुंह पे आराम लग रहा ना घूमने का। तो इतना तो फायदा को थर जाए कहां तो आपसे लगी रहा है नहीं मेरा तो कम गा गए थे आप उतना चीज आते रहे ना मजाक लो तो मेरे भाई साहब अर्जु जीने के हैं चार दिन ओ बाकी है बेकार दिन जाए 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 एक बार जो जाए वो सक्षम ना आए दिल की खता भी है क्या मुझको पता ही नहीं। तो भी बढ़िया वाला अभी जो मैंने आप लोगों को क्लिप दिखाई उससे बाद का जो वीडियो था वो मैंने सारा गायब कर दिया, खुद से गायब कर दिया, क्योंकि मैं दिखाऊंगी उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिर मैंने स्टार्ट किया सीधा Thank you.
एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और अभी मैं ऊपर आई थी, झाड़ू वाड़ू कर दी है मैंने ऊपर सारे में, झाड़ू पोछा ऊपर करके जाती हूँ तब नीचे जा कर के काम जो है वो मैं अपना शुरू करती हूँ। सबसे पहले ऊपर का निपटा देते हैं और मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी बात करती हूँ। और इस टाइम मैं अपना फ़ोन लेकर के ऊपर आती हूँ, थोड़ी सी देर गाने सुनती हूँ और उसी के साथ साथ मैं अपना जो काम है साथ के साथ ही वो करती रहती हूँ। अच्छा लगता है और सुबह का ही टाइम एक ऐसा यहाँ पे है, मतलब मेरा फेवरेट, जिस टाइम पे मैं जब तक ऊपर झाड़ू पोछा करती हूँ तब तक मैं गाने सुनती हूँ। और किसी भी चीज़ का शौक तो नहीं है मुझे, पर जैसे मैं हो गए हैं मुझे कम से कम 10 से 15 दिन हो चुके हैं, जब भी मैं ऊपर आती हूँ अपना फ़ोन लेकर के आती हूँ गाने चलाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, मूड एकदम बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, मतलब बिल्कुल ही अलग सा मूड हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, काम भी बहुत जल्दी जल्दी जो है वो मेरा निपट जाता है। अभी मैंने सारा काम कर दिया है, अभी जा रही हूँ मैं नीचे, अब नीचे का जा कर के झाड़ू पोछा करूँगी, ऊपर का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। और मौसम की तो आप पूछे ही मत, इतना लाजवाब हो रहा है, बहुत ही बढ़िया हवा चल रही है, बहुत अच्छी। तो अभी मैंने नीचे आकर के सबसे पहले जो है वो काम निपटा रही थी, फिर मैंने वीडियो एडिट किया है, फिर वीडियो एडिट हो गया तो फिर वीडियो का एंड भी नहीं हुआ, मैंने सोचा चलो वीडियो का एंड कर देती हूँ अभी और फिर जो मेरा बाकी का काम रह गया है वो कर लेती हूँ। और इस टाइम पे आकर के आँखों ने बिल्कुल जवाब दे दिया है, अब दिया है मेरी आँखों ने मुझे जवाब बिल्कुल, मुझे कुछ भी मतलब ऐसा रहता है कि बिना चश्मे के आँखों पे जाला पूरा रहता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं चश्मा नहीं लगाऊँ, क्योंकि सच्ची बताऊँ मुझे चश्मा लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। काफ़ी टाइम से मेरा जो है, आज से नहीं है, बहुत सालों से मेरा चश्मा बना हुआ है पर मैं लगाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है चश्मा लगाना बिल्कुल भी। और वैसे भी हमारी आँखें काफ़ी खूबसूरत हैं तो इनको छुपाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और एक ही चीज़ मतलब मुझे मेरी पसंद है, अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, मुझे मेरी आँखें सबसे अच्छी लगती है और है कुछ तो बात है इन आँखों में। तो आप लोग भी सोचोगे कभी कभी तुम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर देती हो, तो ये ओवर एक्टिंग नहीं होती है, ये कभी मुझे कमेंट आते ना कि दीदी आप बच्चों की तरह क्यों बात करते हो, मेरा मन करता है पता नहीं क्यों एकदम से अचानक से मन करता है कि मैं बच्चों की तरीके से भी बात करूं। और बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश कर रही हूं, बहुत सारी चीज़ों को अपने से दूर करने की कोशिश कर रही हूं मैं। तो अभी जब आंखों ने जवाब दे ही दिया है तो भैया आप जो चश्मा लगाना ही पड़ेगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, जब दिखेगा ही नहीं तो फिर तो लगाना ही पड़ेगा। अभी फ़ोन का काम बिल्कुल बिना चश्मे के नहीं कर सकती हूँ, बारीकी का कोई भी काम बिना चश्मे के नहीं कर सकती हूँ, दिखता ही नहीं है, सुई में धागा भी डलना बंद हो गया है। तो इन सारी सिचुएशन को लेकर और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोगों ने देखा भी होगा मैं चश्मा बहुत कम लगाती हूँ, बहुत ही कम लगाती हूँ। और उससे बीच का जो वीडियो, जो मैंने वीडियो उड़ाया था, वो वीडियो जो है वो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐड करूँगी उसको। हम गए थे शॉपिंग करने के लिए, मेरी जो है सारी शॉपिंग हो गई है, सारी ही करीब करीब काफ़ी हद तक हमने कर ली है और जो रह रही है वो फिर कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि मेरा अभी काम पड़ा हुआ है। पहले मैंने अपना वीडियो एडिट किया, फिर उसमें सारी चीज़ें जो भी करनी थी वो की, फिर एंड रह गया था, अभी एंड कर रही हूँ। कल मेरा कोई वीडियो नहीं गया था, वीडियो तो मेरा बन ही नहीं रहा है। और ये जुड़ी तुड़ी क्लिप होती हैं जो जोड़ तोड़ के आप लोगों के साथ में मैं शेयर करती हूँ, कोशिश करूँगी कि अब पूरा ध्यान दूँ वीडियो पे। थोड़ा सा अभी माइंड जो है वो डिस्टर्ब चल रहा था बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा सा उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश की है, दिमाग कंट्रोल में आ जाए बस फिर तो अपना काम ही काम होना है। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे से व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय।